ऐसे चेकअप की हेलो बात। यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग कुछ अलग ही है क्योंकि बबली को दर्द शुरू हो चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ कि दर्द शुरू है तो हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में ठीक रहता है। तो फिलहाल मैं तीसरा हॉस्पिटल ले जाऊँगा बबली को अभी थोड़ी देर में। तो वहाँ पे चेकअप कराएंगे, अगर होगा डिलीवरी होने वाली होगी तो वहीं रुकेंगे, फिर क्या बोलते हैं वो तो वो सब देखते हैं। तो फिलहाल अभी तैयार हो रहे हैं और निकलते हैं हॉस्पिटल को। मुझे लगता है कि अब डिलीवरी डेट हो चुकी है तो नज़दीक ही है, अब 1-2 दिन में जब भी होगा तो शायद हमारे बीच में फैमिली मेम्बर आ जाएगा। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। तो अभी हम तीसरा हॉस्पिटल को निकल रहे हैं क्योंकि पहले चेकअप वहीं कराना पड़ेगा क्योंकि ड्यू डेट हो चुकी है। तो मैंने सोचा चलो जाते हैं, तो अभी शाम का टाइम है क्योंकि इसे दर्द भी हो रहा था थोड़ा थोड़ा। तो घर में कोई दाई थी नहीं तो मैंने सोचा प्रेफर करते हैं हॉस्पिटल को क्योंकि वहाँ ठीक रहता है, जो भी होगा जच्चा बच्चा दोनों सेफ रहते हैं। तो बबली देखो चल रही है, इसे चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, पर खुशी का ठिकाना भी नहीं है। आप फेस पे देखोगे एक अलग सी स्माइल है, देखना आप जैसे बैठेगी तो अलग सी स्माइल देगी कि माँ बनने वाली है। अब देखना ये और ये वाली स्माइल। हॉस्पिटल में जाने से उन्होंने बोला कि आप चंबा चले जाओ। तो अब मैं सामान पैक कर रहा हूँ क्योंकि बोला यहाँ पे हमारे पास उतनी फैसिलिटी नहीं है, तो आप चंबा ही चले जाओ क्योंकि वहाँ पे ठीक रहता है, क्योंकि ड्यू डेट हो चुकी है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो बोला वहाँ सॉल्व हो जाएगी तो आप चंबा के लिए निकलो। तो अभी मैं कंबल वगैरह रजाई वगैरह पैक कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है 7, 7:30। तो हम नाइट को ही निकल जाएंगे, 8 बजे तक यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि अब डिनर डुनर भी कर लेंगे और ये मम्मी जी भी पैकिंग में लगे हैं अपने। तो ये बैग 1-2 पैक हो चुके हैं और मैं कंबल कर रहा हूँ। तो सामान पैकिंग करने के बाद चंबा जाने से पहले मैंने सोचा डिनर करा लेते हैं क्योंकि रास्ते में कहाँ रुकेंगे, क्योंकि लेट नाइट हो जाएगा, 11-12 बजे पहुँचेंगे क्योंकि आराम से जाना पड़ेगा। तो देखो बबली को मैं बोलूँगी डिनर करो अच्छे से, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये पर्ची बोटिया ओके ओके, टेंशन फ्री हो जाओ। पीछे अब दर्द भी हो रहा है पर बीच में दर्द कम हो जा रहा है फिर हो रहा है, वो अब लेडीज़ को ही पता होगा इस बारे में, प्रॉब्लम के बारे में। पर फिलहाल जो हमें अच्छा लग रहा है तो हम वही कर रहे हैं क्योंकि हमें डॉक्टर ने सलाह दी कि आप चंबा निकल जाओ क्योंकि वहाँ पर हर फैसिलिटी होती है। तो बबली भी वही बोल रही है कि डिनर नहीं करना था मैंने, निकलना था। तो डिनर करवा लेते हैं क्योंकि अगर रात को डिलीवरी हो जाती है तो फिर कहाँ से वहाँ उसके लिए खाना खुना करेंगे। और कुछ बबली बोल रही थी उसके बारे में मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि ये वीडियो उस टाइम की और एडिट में लेट किया था। फाइनली तो हम चंबा हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बबली को एडमिट कर लिया है। हम ये अभी वार्ड के बाहर चक्कर लगा रही है, यहाँ साइड में ही लैब है जहाँ पे हमने अभी ब्लड टेस्ट कराया तो वो रिपोर्टें मैं दे के आ गया था। तो डॉक्टर नर्स ने बोला था कि इनको कि चक्कर लगाओ, जितना चल सकते हो उतना अच्छा है। तो फिलहाल ये एडमिट हो चुकी है, तो आज डेट है 14, तो इसकी जो डिलीवरी ड्यू डेट थी वो 12 थी, तो हम 2 दिन लेट हैं। तो हमने सोचा पहले घर में हो जाएगी, पर फिर जैसे दर्द बढ़ता गया तो हम हॉस्पिटल को आ गए, पर सब कुछ नॉर्मल है, डरने की कोई तो बात नहीं। नाइट को हम वार्ड में थे तो बबली भी सो गई है, बबली नहीं सोई है, पापा सो गए थे, मम्मी सो गए थे और बबली के मम्मी भी सो गए थे। तो हम जो गए थे 5 जने गए थे बबली को समेत और आए हम 6 हो के हैं। तो ये देखो अभी बेबू की थोड़ी सी आवाज़ आ रही है क्योंकि उठ गया है अभी अभी, मैं वीडियो घर में एडिट कर रहा हूँ। तो देखो बबली को अलग ही टेंशन है कि कल क्या होगा, और ये दूसरे दिन का वीडियो मैंने शूट कर रहा हूँ, चुपके से इसे पता नहीं कि वीडियो शूट हो रहा है। आज इसकी डिलीवरी भी होनी थी तो उससे मॉर्निंग टाइम की है, बहुत टाइम पहले की है, तो उस टाइम तो थोड़ा रिलैक्स थी, पर टेंशन में लग रही है। देखो आपको भी लग रहा होगा वीडियो में, पर ये अब क्या करें, अब टेंशन तो होगी धीरे धीरे, चलो देखते हैं क्या होगा। ये जो पल है जिंदगी का सबसे हसीन पल होगा मेरा, क्योंकि जो बच्चू है मेरा वो मेरी गोद में है। तो मैं बहुत ही एक्साइट था इस टाइम और पब्लिक को बोल रहा था थैंक यू सो मच क्योंकि इसने ज़िंदगी की मेरी सबसे अच्छी खुशी दी। अब क्या बोलूँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ मैं इस खुशी को। तो ये रात का समय है, पब्लिक सो चुकी है,
क्योंकि हमें आज की नाइट हॉस्पिटल में काटनी पड़ेगी। तो बबली सोई हुई है और मैं उसके पास बैठा हूँ टेबल पे। उसे आज के दिन दर्द भी बहुत हो रहा है क्योंकि हाथ भी स्टिचेस नहीं, ये क्या बोलते हैं, डिप लगा है और नीचे स्टिचेस लगे हैं, इसे बहुत दर्द हो रहा था। और बच्चे उसके पास एकदम देखा सोया हुआ है। अभी मैं इसको नहीं दिखा सकता क्योंकि घर वालों ने बोला है कि इसको अभी मत दिखाते, क्योंकि हमारे यहाँ प्रथा है कि 10 दिन तक, अभी तक इसका नाम करण भी 10 दिन बाद होगा, तो सब कुछ उसके बाद ही हम इसको आपके सामने लाएंगे अपने ब्लॉग में। तो फिलहाल मैं बबली के साथ फुल नाइट वहीं टेबल पे रहा, और साथ में जैसे मम्मी वगैरह आए थे। तो अब जैसे कि आपको पता है कि आम वार्ड में हैं, तो देखो जैसे हम डिलीवरी वाले वार्ड में थे, यहाँ बच्चों और पेरेंट्स रहते हैं उनके, तो ये सारे न्यू बॉर्न बेबी वाले हैं और सब भी यहीं बैठे हैं। और ये मम्मी पापा सासू मामा जी नीचे मैट्रेस ली थी और उसी पे सो गए थे, क्योंकि पर्सनल रूम सरकारी हॉस्पिटल में होता नहीं है, तो ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है, क्या करें। पर ये भी अलग ही फीलिंग है। तो ये फिर दूसरे दिन सुबह की थी। थोड़ी थोड़ी बबली देखो खुश भी है क्योंकि इसे पता लगा था कि छुट्टी हो चुकी है, तो आज हमें जो कि छुट्टी मिल चुकी थी, तो हमें घर निकलना था। तो बच्चों को वैक्सीन लगवानी थी, वो हमने लगवाई, दवाई दुई ली, तो अब पैकिंग करके हम निकल रहे थे इस टाइम। तो यहाँ पे देखो मैं सामान निकाल चुका हूँ सारा ही, और कार में रखना था। तो ये भाई वगैरह आए थे, इनकी भी बच्चों की डिलीवरी हुई है, तो ये पूछे थे कि मेडिसिन कहाँ ली है, तो मेडिसिन दूसरी साइड लेनी पड़ती थी, तो ये वहाँ का रास्ता क्या पूछ रहे थे कि कहाँ पर मिल रही। तो मम्मी और मैं सामान लेके निकल चुके हैं। तो अभी जो कैमरा था वो बबली के पास था, बबली शूट कर रही थी क्योंकि इसके पास सामान नहीं दे सकते थे। तो ये देखो बबली हमारे बीच डिलीवरी के बाद सबको हाय कह रही है। और अभी हम गेट पे पहुंच चुके हैं, तो पापा गए हैं गाड़ी लाने के लिए, तो हम वेट कर रहे हैं कि जल्दी से गाड़ी आए, हम जल्दी से अपने घर को निकलें क्योंकि बहुत स्ट्रेस में थे। तो ये हमारा सफ़र शुरू हो चुका है घर का। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है घर जाने की बीबू के साथ। तो बच्चों भी हमारे साथ, हमारे अब घर के लिए निकल पड़ा है, इसकी पहली जर्नी है ये। होप सो एंजॉय कर रही होगी जर्नी भी। तो अभी हम चले थे, तो घर के लिए मैंने फ़ोन कर दिया था डेकोरेशन के लिए। तो घर में मासी माँ, मासड़ और उनके लड़के आशु अरु और नीलू और उनकी सिस्टर और नवी ने कुछ डेकोरेशन रूम की इस तरह से पहले से ही कर रखी थी, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी के लिए अलग सा फील दें, बबली के लिए भी अच्छी सी, क्योंकि अब इनकी एक नई लाइफ शुरू होने वाली थी, तो हम चाहते थे कि सब कुछ अच्छे से हो। तो ये कुछ इस तरह का डेकोरेशन किया था, रास्ते में बलून लगाए थे जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे, तो ये वीडियो उन्होंने बनाए थे। तो ये मम्मी के पास हमारा बेबू, मम्मी घर के लिए आ रहे हैं, देखो आप खुशी देख सकते हो। तो ये बीच में ऊपर घर का काम लगा है, तो वो भी लगा था, मिस्त्री लोग लगे थे। और ये मैं बबली को लेके आ रहा हूँ क्योंकि इससे चला नहीं जा रहा था, तो मैं इसको पकड़ पकड़ के ला रहा था। तो और उस टाइम हवा बहुत चली थी, तो जिसके कारण मैंने बबली को बोला था कि आप कंबल ले लो पूरा अपने ऊपर। और मम्मी ने तो बच्चों को ढक के रखा था जिससे इसे ठंड ना लगे। तो ये मासी इसका स्वागत कर रहे हैं विधि विधान से। तो यहाँ पे नबी को रखा था, कन्या को, क्योंकि हमारे यहाँ दरवाजे पे जब भी किसी नए यार कन्या की भूजी और कन्या के चाचू जैसे को तैसा मिलेगा। इधर इसकी बना रही लिखी हुई थी नजदीक। भैया को थंबनेल मिल गया। तो YouTube फैमिली फाइनली यही था हमारा ब्लॉग। तो बीच में कुछ वीडियो क्लिप नहीं बना पाया, जैसे बबली को डिलीवरी रूम को ले जाते हुए और वापस लाते हुए, क्योंकि उस टाइम मेंटली जब अंदर ले जा रहे थे तो दिमाग में प्रेशर था, डर रहता है, सबको पता है आप भी जो इन चीज़ों से जूझ रहे हैं। और उस टाइम अकेला मम्मी पापा और मम्मी थे, पर
उनको भी उतना दिमाग में नहीं था और मेरे तो वैसे ही था क्योंकि मैं बबली को छोड़ने गया था तो वीडियो कैसे बनानी थी। और उसके बाद जब वापस निकाला बाहर तो उस टाइम तो इतनी एक्साइटमेंट हुई कि कुछ एकदम माइंड से आउट हो गया कि क्या यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना, कि वीडियो भी बनाते हैं, वो सब कुछ भूल गया था। जब बेबू मेरी कूद में आई थी तो उस टाइम शायद बबली खड़े खड़े थे तो उन्होंने थोड़ा सा शूट किया, तब आया याद कि हम ब्लॉग भी बना रहे थे। तो मैंने उसके बाद कंटिन्यू किया क्योंकि बेबी की खुशी में कुछ याद नहीं रहा था। तो चलो अब हमारे नेक्स्ट ब्लॉग इस कंटिन्यू आते रहेंगे। बबली को स्टिचेस लगे हैं तो वो जल्दी से ठीक हो जाए तो फिर बबली भी यूट्यूब ब्लॉगिंग में आती रहेगी। वैसे तो मैं लाता रहूँगा पर अब दर्द होता रहता है तो बीच बीच में, तो फिर ना कंटिन्यू करना उनके लिए मुश्किल है। और बेबू का भी फेस रिवील कब करना है यूट्यूब पे वो भी अब हम डिसाइड करेंगे। तो फिलहाल यही था हमारा ब्लॉग। तो यूट्यूब फैमिली लव यू सबको, ट्रक वर्क के लिए ख्याल रखो अपना और अपनों का। बाय बाय, टेक केयर, जय शंकर।